बेसिकली जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद कुछ ऐसे हालात थे कि मुझे इस सब को लेकर चलना था। अब बेसिकली लोग इजी वे चाहते हैं कि हमारे पास घर बैठे चीज़ मौजूद हो। फर्स्ट लेवल पे मैंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया। शाहिद एक्सप्रेस बेसिकली सर्विस शाहिद वर्ड जो है वो मैंने अपने वालिद साहब के नाम से डेडिकेट किया था। और एक्सप्रेस वर्ड आपको भी पता है कि वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट कॉरियर सर्विस एक्सप्रेस है। तो शाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट कॉरियर सर्विस के साथ आपके हाथ तक प्रोडक्ट मौजूद करवाता है। इस पे ऑल सारी किस्म की प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो सीईओ हैं शाहिद एक्सप्रेस .com के, जो एक ऑनलाइन सेलिंग स्टोर है जिस पे ये अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। इनकी कहानी सबसे मुनफरद इस वजह से है क्योंकि जब इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया उस वक़्त इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की हुई थी, बल्कि ये सिर्फ एक मैट्रिक पास थे। उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हालात का मुकाबला किया, अपनी नीयत, कोशिश, जुस्तजू और जद्दोजहद से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया कि अब ये 4 से 5 लाख रुपया महाना अर्निंग कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो क्या लगन थी, वो क्या तड़प थी, वो क्या कोशिश थी और वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने इनको मोटिवेट किया और इन्होंने अपने मिशन और अपने काम को फॉलो किया और अपने पैशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान शाहिद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने एक टाइम ऐसा था जब मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद आपने सोचा कि आपने अपना काम करना है और ई कॉमर्स की फील्ड में आना है। उसके पीछे एक तो ये वजह थी कि आपके आईटी स्किल्स बहुत अच्छे थे, लेकिन आपका विजन और मिशन उस वक़्त क्या था और ये सफ़र आपने कैसे तय किया? बेसिकली जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद कुछ ऐसे हालात थे कि मुझे इस सब को लेकर चलना था। तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना, एक मेरे जेन में इस तरह का एक विजन था कि अब बेसिकली लोग इजी वे चाहते हैं कि हमारे पास घर बैठे चीज़ मौजूद हो। ठीक है, तो मैंने इस विजन को देखा और सोचा, तो फर्स्ट लेवल पे मैंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया, जिस प्लेटफॉर्म को मैंने ये सोचा कि यार चलो इस हद तक नहीं रखते। उसके बाद मैंने मज़ीद सोचा कि यार नहीं, हम इस प्लेटफॉर्म को और ऊपर तक लेकर जाते हैं, जिसके बाद ये नतीजा देखा कि हम पाकिस्तान में एफिलेट मार्केटिंग अभी तक चल रही थी। तो एफिलेट मार्केट में यही था कि लोग फ्रंट एंड तक जो था उसके ओनर तक ही अर्निंग सारी डिवाइड हो जाती थी। तो मैंने इस नतीजे पर पहुंचा कि यार नहीं, मुझे इसको और ऊपर तक लेकर जाना है, हमें एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप लेना चाहिए, जिसमें मैंने MLM सिस्टम लेकर आया। MLM सिस्टम में ये था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग थी, जिसमें वाइंडर्स से ऊपर भी सब वाइंडर्स थे, जो कि आप एज अ मिसाल के तौर पे एक वाइंडर्स हैं। तो मैंने ये कहा कि नहीं, अब वाइंडर्स के हाथ तक नहीं, अब वाइंडर्स भी आगे सब वाइंडर्स को डिवीजन दे, जो कि उसको भी अर्निंग आए, वाइंडर्स को भी अर्निंग आए और सब वाइंडर्स को भी अर्निंग आए। तो इस वजह से फिर मैंने ये स्टेप लिया था। सर आपकी ये जो वेबसाइट है शाहिद एक्सप्रेस .com, वो इस वक्त क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और वो मुख्तलिफ किस तरह है दराज से और बाकी चीज़ों से? शाहिद एक्सप्रेस बेसिकली सर्विस शाहिद वर्ड जो है वो मैंने अपने वालिद साहब के नाम से डेडिकेट किया था। और एक्सप्रेस वर्ड आपको भी पता है कि वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट कॉरियर सर्विस एक्सप्रेस है। ठीक, वर्ड एक्सप्रेस यूज़ किया जाता है फास्टेस्ट कॉरियर सर्विस के लिए। तो शाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट कॉरियर सर्विस के साथ आपके हाथ तक प्रोडक्ट मौजूद करवाता है। ठीक है, सर्विसेज बेसिकली यही प्रोवाइड करता है कि आपको ओरिजिनल ब्रांड की प्रोडक्ट आपके हाथ तक मौजूद हो और 100%
अवेलेबिलिटी के साथ 100% आपको श्योर होगी 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो ये आपके तक पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। सर मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इसको बनाया और जब आप ई कॉमर्स की तरफ आए तब आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? बेसिकली जब हमने इसको बनाया था तो हमारे सामने यही एक था कि पाकिस्तान में अभी तक जितने प्लेटफॉर्म हमने देखे थे वो यही था कि एफिलेट मार्केटिंग तक आते थे। मतलब आपको एक वेंडर दे दिया, आपने अपनी प्रोडक्ट लगाई, सेल की और एंड पे कमीशन, आपने जो प्रॉफिट था कमीशन वो आपने उसको ओनर को दे दिया उस प्लेटफॉर्म के। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे मुश्किलात ये थी कि नहीं मैं किस तरह डिवीजन करूँगा, किस तरह मेरे तक वेंडर्स आएगा कि मैं इस चीज़ को लेकर चलूँ। और जब मैंने देखा कि वेंडर्स बिल्कुल नहीं आ रहा तो वेंडर्स को यही था कि जो मेरा प्रॉफिट होगा वो सब ओनर ले जाएगा, तो मैंने इसलिए उसको आगे सब वेंडर्स तक ले गया। तो मैंने ये देखा कि यार अब वेंडर्स आना शुरू हो गए जो कि अपनी प्रोडक्ट लगाता है और खुद उसका अर्न प्रॉफिट कमाता है और 0% कमीशन्स के साथ वो हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट सेल आउट करता है। सर जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे कि वो आपके वाले मॉडल को फॉलो करें या उनके लिए कुछ और रिकमेंडेशन है आपके पास? बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आएँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मॉड्यूल मैंने यूज़ किया है लोग भी यूज़ करके देखें, इसको मॉड्यूल को यूज़ करें, क्यों नहीं यूज़ करें। इससे यह है कि मेरे लिए और अचीवमेंट कुछ करने का मौका मिलेगा मुझे, कि अब मेरे कंपैरेटिव कोई और बंदा आकर बैठा है जिससे मुझे और मज़ीद इसको सर्विस लेने का मौका मिलेगा। सर आपकी जो वेबसाइट है shahidexpress.com इस पर कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? इस पर ऑल सारी किस्म की प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। अच्छा। हर किस्म की प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेगी और इस पर एक ये भी फीचर्स है कि आप कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में डायरेक्ट डिलीवर नहीं करती, तो हमने एक ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स का एक उसमें एक पेज रखा है। ठीक है, एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कि आप ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म की हो वर्ल्ड वाइड में, तो वो हम आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा के देंगे। सर इसमें ग्रोसरी, बुक्स, ये सब चीज़ें भी सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये काम का आगाज़ किया तो लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया होगा, लोगों ने आपको कहा होगा कि यार ये इस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त आपने मैट्रिक किया हुआ था, आपकी आगे ग्रेजुएशन भी नहीं थी, अब तो आप माशाल्लाह कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि यार मैं ये कर लूँगा? उस वक्त बेसिकली यही मोटिवेशन था कि मुझे कुछ इस तरह था कि कुछ स्पोर्ट मेरे वालिद साहब की थी कि नहीं बेटा आप करोगे, आप अगर इसको लेकर चल रहे हो तो आपका एक विजन है तो आप इसको करो, एग्जीक्यूट करो, क्योंकि किस्मत जो जब भी टाइम देती है तो वो आपका साथ देती है। तो बस इसी तरह ही था कि फिर डिफ़िकल्टीज यही आई मुझे कि मैं इस वक्त ये सोच रहा था कि खाली टर्नओवर नहीं कमाना मुझे इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है, मुझे एक अपना विजन बनाना है, एक अपना मकसद को हासिल करना है कि नहीं मुझे इससे खाली पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक मकसद चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड में पूरे, हालांकि अभी तक तो पाकिस्तान तक लॉन्च है लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरे वर्ल्ड वाइड में लॉन्च होगी, तो मुझे इसको यही मकसद बनाना था कि नहीं मुझे इस विजन को जो है ना एग्जीक्यूट करना है और लेकर चलना है। सर आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, आप इसको किस तरह एक्सटेंड करेंगे, किस तरह इसको बढ़ाएंगे? फ्यूचर में मेरा यही प्लान है कि मज़ीद इसके ऊपर जो है मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ मिलके कि मुझे इसके ऊपर मज़ीद हमें और क्या एग्जीक्यूशन मिल सकती है कि हम इसको मज़ीद कस्टमर्स के लिए और किस तरह प्लेटफॉर्म्स। अब जिस तरह फ्यूचर्स में ये होता है कि आपकी कुछ प्रोडक्ट्स कुछ वेंडर्स जो है फेक भी भेज देते हैं, क्योंकि 95% पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म पर काम यही ही हो रहा है कि आपको प्रोडक्ट कुछ और दिखाई जाती है। और ये अब मैं यही सोचा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना हम अपने डिस्प्ले सेंटर्स भी बनाएं जहाँ पे आपका क्लाइंट जो है वो आकर आपकी प्रोडक्ट देखे
और वहीं से भी आपको परचेज करने का। बहुत बहुत शुक्रिया फिजान शाही साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और जो shahidexpress.com पे जाके मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।